तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस टाइप की एनिमी एआई फोटो अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत सी लोगों को कुछ इस टाइप की फोटो बनाना अभी तक नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी लोगों को लगता है कि इस टाइप की फोटो बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए एक आईफोन, नहीं तो हम लोगों को पीसी वगैरह चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपनी एंड्रॉयड फ़ोन में से इस टाइप की 3D फोटो बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि गाइस हम लोग किस तरह से इस टाइप की फ़ोटो बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में हम लोग कुछ इस टाइप की 3D एनिमी AI फोटो बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं गाइस, हम लोग अपनी वीडियोज़ को शुरुआत करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं अभी अपना मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों डिस्कॉर्ड। आप लोग यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर देख ही सकते हो, बाकी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से गाइस आप लोगों को रजिस्टर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, और फिर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक मतलब कि ऑप्शन आ जाएगा। इधर से आप लोग गाइस देख सकते हो फोन का भी ऑप्शन दे रखा है और ईमेल का भी, तो आप लोगों को इधर से ईमेल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन इधर से गाइस आप लोगों को आपका जो ईमेल है उसको आप लोगों को इधर से टाइप कर देना है। तो इधर से गाइस मेरा जो ईमेल है उसको मैं इधर से टाइप कर लेता हूँ। ईमेल को टाइप करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपल इधर से नेक्स्ट वाले बटन पर टैप कर देना है। देन इधर से गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और इधर से गाइस आप लोगों को कोई से भी एक नाम को मतलब कि टाइप कर लेना है। तो इधर से मेरा जो नाम है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से कोई से भी एक पासवर्ड को डाल देना है, ठीक है। तो इधर से गाइस मैं कोई से भी एक पासवर्ड को जल्दी से लिख लेता हूँ। तो दोस्तों पासवर्ड को डाल देने के बाद आप लोगों को इधर से सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है ना। तो इधर से मैं टैप कर लेता हूँ, और आप लोग गाइस देख सकते हो इधर से एक नया इंटरफेस आ चुका है, ठीक है ना। और इधर से गाइस आप लोगों को मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोगों को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है। तो इधर से मैं टैप कर लिया, आप लोग गाइस देख ही सकते हो, और इधर से गाइस आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। एंड इधर से आप लोग गाइस देख सकते हो लिखा हुआ है प्लीज क्लिक एज इमेज, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा अपनी इमेज को, और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो इधर से आपका जो मतलब कि पिक्स वाली वेरीफाई है इधर से वेरीफाई हो जाएगा। देन उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, और इधर से गाइस आप लोगों को एलो कर देना है, जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो लिखा हुआ है एलो, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को एलो कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को फिर से एलो करना है। देन इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इधर से आप लोगों को कोई से भी अवतार को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इधर से दोस्तों आप लोगों को टिक मार्क वाले को अनटिक करके इधर से आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। तो इधर से मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और फिर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और इधर से गाइस आप लोग ऊपर के साइड देख सकते हो लिखा हुआ है क्रिएट माई अकाउंट, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। देन इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो नीचे के साइड लिखा हुआ है स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना होगा। तो इधर से मैं टैप कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है इधर से आ जाएगा। और जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो इधर अपलोड पिक्चर भी लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को इधर से क्रिएट सर्वर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। तो इधर से मैं टैप कर लेता हूँ, और फिर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से गाइस आप लोगों को स्किप वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, मतलब कि स्किप कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं स्किप कर लेता हूँ, और फिर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का मतलब कि इंटरफेस आ जाएगा। इधर से गाइस आप लोगों को सिंपली बैक कर देना है। तो इधर से मैं बैक कर लेता हूँ। एंड अभी दोस्तों आप लोगों को आपका जो जीमेल है उसको आप लोगों को इधर से ऑन कर लेना है, और उसके बाद इधर से आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देना है। और डिस्कॉर्ड की तरफ से दोस्तों आप लोगों को इधर से वेरीफाई करना होगा, तो इधर से आप लोगों को चेकिंग करना पड़ेगा, मतलब कि दो मतलब कि ईमेल आएगा, उसके बाद आप लोगों को इधर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो ये हमारा ईमेल आया था उसमें कोई वेरीफाई का ऑप्शन नहीं मिला, तो इधर से मैं बैक कर लेता हूँ। और दूसरा वाला जो ईमेल आया है गाइस आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है वेरीफाई ईमेल, तो इसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। देन अभी दोस्तों आप लोगों के सामने और एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो इधर से लोडिंग हो रहा है, तो हम लोगों को इधर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आप लोग गाइस देख सकते हैं लिखा हुआ है कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड, तो आप लोगों को उसके ऊपर सिंपली टैप कर देना है। तो हमारा जो ईमेल आईडी है गाइस वो वेरीफाई हो चुका है, तो आप लोगों को इधर से बैक कर देना है। देन इधर से आप लोगों को कोई से भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो इधर से गाइस मैं गूगल ब्राउजर को ही ओपन कर लेता हूँ, और जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो गूगल है इधर से खुल चुका है। अभी दोस्तों आप लोगों को इधर से सर्च करना पड़ेगा मिड जर्नी, जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो इधर से ऑटोमेटिकली आ चुका है, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। फिर आप लोगों के सामने सबसे पहले जो आप लोग गाइस देख ही सकते हो इधर से लिखा हुआ है मिड जर्नी, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। देन आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, और जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो इधर से लोडिंग हो रहा है,
तो कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ज्वाइन द वेट आउट, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। और इधर से गाइस आप लोगों को सिंपली एक्सेप्ट इनवाइट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का एक छोटा करके कॉन्फर्मेशन ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली कॉन्फर्म कर देना है। और आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का फिर से मतलब कि इमेज वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। और इधर से गाइस आप लोगों को इमेज को मतलब कि फोटोज़ को सिलेक्ट करके इधर से आप लोगों को वेरीफाई कर देना है। तो इधर से मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। और इधर से आपका जो मतलब कि फोटोज़ वाली वेरीफाई है इधर से वेरीफाई हो जाएगा एंड आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और अभी दोस्तों आप लोग इधर से देख सकते हो थ्री लाइन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। देन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से आप लोग गाइस देख सकते हो बहुत सारा कंट्रीज दे रखा है, तो उसके ऊपर आप लोग कोई से भी मतलब कि कंट्रीज को सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत सारा एग्जांपल दे रखा है, तो आप लोगों को इधर से कुछ भी नहीं करना। ऊपर के साइड गाइस आप लोग देख सकते हो इधर एक ऑप्शन दे रखा है, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। और आप लोगों के सामने दोस्तों कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है मीट जर्नी बॉर्ड, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से ऐड टू सर्वर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है सिलेक्ट सर्वर, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। एंड इधर से गाइस आपका जो मतलब कि सर्वर है उसके ऊपर टैप करके इधर से गाइस आप लोगों को कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन इधर से गाइस आप लोगों को ऑथराइज वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर दोस्तों आपका जो काम है इधर से कम्प्लीटली हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा जो काम है इधर से कम्प्लीटली हो चुका है। एंड अभी दोस्तों आप लोगों को इधर से सिंपली स्लाइड करके JBS नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर टैप करके दोस्तों इधर से आप लोगों को जनरल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और नीचे के साइड गाइस आप लोग देख सकते हो इधर लिखा हुआ है मैसेज जनरल, और उसके बाद गाइस इधर से देख सकते हो प्लस आइकन दे रखा है, उसके ऊपर टैप करके इधर से आप लोगों को एलो कर देना है। देन आपका जो गैलरी गाइस इधर से नीचे के साइड देख सकते हो, इधर से आप लोग कोई से भी फोटो को सिलेक्ट करके फिर इधर से गाइस आप लोगों को मतलब कि फोटो को सेंड कर देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को टैप करके गाइस इसको सेंड कर देना है। और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो फोटो इधर से सेंड हो रहा है, तो हम लोगों को इधर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों मेरा जो नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो उसके लिए गाइस माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि अभी तो आप लोग सीखने वाले हो। और जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो इधर से सेंड हो चुका है, तो अभी दोस्तों आप लोगों को फोटो के ऊपर कुछ इस तरह से टैप करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर के साइड गाइस आप लोग देख सकते हो थ्री डॉट दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। और इधर से गाइस आप लोगों को शेयर वाले बटन पर टैप कर देना है। अगेन दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से आप लोगों को कॉपी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, मतलब कि हमारा जो फोटो का लिंक है वो कॉपी हो चुका है। एंड अभी दोस्तों इधर से आप लोगों को बैक कर देना है। फिर दोस्तों आप लोगों को मैसेज वाले ऑप्शन पर टैप करके इधर से गाइस आप लोगों को सबसे पहले स्लाइड कर देना है, ठीक है। मतलब कि स्लाइड वाले ऑप्शन पर टैप करके एंड इधर से गाइस आप लोगों को सर्च करना होगा इमेजिन पोमो, ठीक है। तो इधर से आप लोगों को टाइप कर देना है और ऑटोमेटिकली मतलब कि जो हमारा टाइप है इधर से आ जाएगा, तो उसके ऊपर टैप करके दोस्तों आप लोगों को फोटो का जो लिंक है गाइस इधर से आप लोगों को पेस्ट कर देना है। तो इधर से पेस्ट करने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को इधर से सबसे पहले कॉमा लगाना है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से स्पेस कर देना है। देन इधर से गाइस आप लोगों को लिखना है साइबर पंक, तो इधर से मैं लिख लेता हूँ साइबर पंक। कुछ इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों अभी आप लोगों को इधर से कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर इधर से आप लोगों को एक स्पेस देना पड़ेगा और इधर से गाइस आप लोगों को लिखना है लिटिल बॉय, तो जैसे मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को और एक कॉमा लगा के फिर इधर से आप लोगों को स्पेस कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से मतलब कि लिख लेना है हाइज डिटेल्स, ठीक है। तो इधर से मैं लिख लेता हूँ हाइज डिटेल्स। और देन दोस्तों आप लोगों को इधर से एक कॉमा लगा के फिर इधर से आप लोगों को स्पेस कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मतलब कि एक कोड देना पड़ेगा इधर से, तो कोड कौन सा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को दो बार स्लाइड करके इधर से गाइस आप लोगों को वी टाइप करना है, तो इधर से मैं वी टाइप कर लेता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को स्पेस करना होगा एक बार, स्पेस करके दोस्तों आप लोगों को फोर टाइप करना है, ठीक है। फोर टाइप करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इधर से मतलब कि लिंक जो है इसको आप लोगों को शेयर कर देना है, तो इस पॉइंट के ऊपर टैप करके इधर से गाइस मैं शेयर कर लेता हूँ। और आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो लिंक है इधर से शेयर हो चुका है, तो हम लोगों को इधर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग गाइस इधर से देख सकते हो लिखा हुआ है वेटिंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोगों को इधर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और देखते हैं गाइस कब तक मतलब कितना टाइम लगता है हमारा फोटो एडिट होने में। और जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है इधर से एडिट होके आ चुका है, तो इधर से अभी थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है, लेकिन आफ्टर हमारा जो फोटो है वो अच्छे क्वालिटी में आ जाएगा। तो हम लोगों को इधर से और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो देखते हैं गाइस कब तक मतलब कि हमारा जो फोटो है इधर से कॉन्वर्ट होके आता है।
तो आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो फोटो है इधर से पूरा का पूरा कम्प्लीटली हो चुका है, मतलब कि हमारा जो फोटो है 3D एनिमी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इधर से गाइस मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ और आप लोग गाइस देख सकते हो फोटो कितना कमाल का लग रहा है। तो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देन उसके बाद दोस्तों आप लोग ऊपर के साइड देख सकते हो इधर 3 डॉट ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। और इधर से गाइस आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है सेव, तो उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है और आपका जो फोटो है गाइस इधर से सेव हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग गाइस देख सकते हो हमारा जो फोटो इधर से सेव हो भी चुका है। तो इधर से गाइस मैं बैक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना जो गैलरी है गाइस उसको मैं ऑन कर लेता हूँ और फिर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा जो फोटो है कितना कमाल का बना है। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों हमारा जो फोटो है कितना ज़्यादा कमाल का और हैवी लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग मतलब कि 3D एनिमी वाला फोटो बना सकते हो जो अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बिल्कुल फ्री में दोस्तों बना सकते हो। तो और कोई भी परेशानी हो तो दोस्तों आप लोग मुझे मतलब कि इंस्टाग्राम पर DM कर लेना, मैं आप लोगों को मतलब कि सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग जो है एनिमी AI वाली फ़ोटो बना सकती हो। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।